नमस्कार, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट, मैं हूँ योगेश कांत। इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में प्याज के भाव सातवें आसमान पर हैं। प्याज के भाव ने रसोई का स्वाद खत्म कर दिया है। इसकी खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से तैयार की और लोगों से प्याज के भाव पर खास बातचीत की। 70 रुपए किलो बिक रहा है, क्या कारण है? प्याज महंगी हो गई ना, इधर उधर प्याज आ नहीं रही, नहीं खत्म हो रही, वो जल्दी तो नहीं आ रही है। प्याज खराब बहुत हो रही ना, अभी कम आ रही है नासिक से भी। आप लोग इतना महंगा प्याज आ रहे तो आपको कितने में पड़ता है? जो हमें 65 रुपए किलो पड़ता है, 70 बिक रहा है, उसमें खराब भी वो निकल जाता है। तो इसमें कस्टमर कैसे आ रहे हैं? कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं, तो बिके ही नहीं प्याज इतनी महंगी। तो आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं प्याज? तो 70 रुपए किलो बेच रहे हैं। महाजन है जो जैसे प्याज की दरें बढ़ी हैं। प्याज की दरें बढ़ने का मेन कारण ये है कि महाराष्ट्र में प्याज बाढ़ आने के कारण काफी मात्रा में प्याज सड़ गया है, जिससे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जिससे काफी मात्रा में प्याज सड़ जाने से प्याज की कीमतें काफी उछाल मार रही हैं, जिससे कि घर का बजट और दुकानदार जो फुटकर बेचने वाले हैं उनका भी अपना खुद का बजट काफी गड़बड़ा गया है, और जिससे कि हम लोग काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये कब तक प्याज? ये लगभग हमारे हिसाब से 20 और 25 दिन के अंदर, या लगभग 30 दिन के, एक महीने के, डेढ़ महीने के अंदर प्याज की कीमतें नीचे आ सकती है। इतना प्याज ले रहे हैं आखिर क्या कारण है इतना प्याज, जबकि इतना महंगा है प्याज? हाँ, दरअसल बात यह है कि प्याज के रेट दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, और हो सकता और आगे जो है 100, 150, 200, 250 में पहुँच जाए, इसीलिए मैं लेके रख ले रहा हूँ, ताकि जो है 2-3 महीने हमारा जो प्याज आराम से चल जाएगा, क्योंकि अभी तो जो है प्याज इतना महंगा है, सलाद में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और सब्जियों के तड़के भी जो है, और दाल के तड़के भी लगाने में मुश्किलें हो रही हैं। तो इससे पहले भी क्या आपको लग रहा था कि प्याज का दाम बढ़ा इसी सरकार ने, सरकार कोई भी हो प्याज बढ़ा? नहीं, इससे पहले नहीं लग रहा था कि दाम बढ़ा है या बढ़ेगा, ये तो अभी फील हो रहा है कि जो है बढ़ता जा रहा है। महंगाई के चलते हुए जो प्याज के रेट है, जो 10-15-20 रुपए किलो, 20-25 रुपए किलो था, वो इस समय 80 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। किचन से प्याज की जगह जो है प्याज का यूज करना ही बंद हो गया, हर सब्जी में प्याज पड़ता है, और उसके बिना जो है सब्जी वगैरह कुछ भी हो बनाओ वो स्वाद नहीं आता है। लेकिन महंगाई की वजह से बजट भी हम लोगों का गड़बड़ा गया है। जो प्याज हम लोग 25 रुपये, वो 1 किलो प्याज लाते 2 दिन नहीं चलता है, 80 रुपये किलो ला ले आके, मतलब तो जैसा कि सलाद वगैरह भी बनता है तो क्या? हाँ, सलाद में प्याज का कहीं नामो निशानी गायब हो गया, प्याज की जगह लोग मूली यूज करने लगे। अभी ठेले पे चाट आट खाने जाओ, वो लोग भी मूली इसके डाल देते हैं, तो प्याज का तो कतई नामो निशान मिटा जा रहा है इतनी महंगाई में। तो आपको क्या लग रहा है, इस सरकार में ही हुआ है क्या और भी सरकारों में ये सब हुआ है? ये हर साल इस समय पता नहीं क्या सरकार के पास कमी आ जाती है कि क्या प्याज पे ही रेट बढ़ा देते हैं।